हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खून में इन्फेक्शन के बारे में। आपने बहुत सुना होगा, जैसे ही डॉक्टर के पास आप जाएंगे, जांच हुई मरीज की, उसको ये बताया जाएगा कि आपके खून में इन्फेक्शन है। अब क्या इसमें आपको चिंता करना है, क्या इसमें आपको परेशान होना है? एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें लोग फंस जाते हैं, और बिला वजह कभी कभी कुछ डॉक्टर 5-10% ऐसे डॉक्टर होते हैं जो मरीज को फंसा करके उसको एडमिट कर लेते हैं, एडमिट करने के बाद काफी ज्यादा चार्ज करके उनको छोड़ते हैं। तो खून में इन्फेक्शन कितना होना है कि आप परेशान हो, कब आपको परेशान होना है, या ये होता क्या है, क्यों होता है, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर कोई भी बदन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी जरासीम, कोई बैक्टीरिया जाके अगर आपकी बॉडी पे हमला करता है, मान लीजिए बाहर अगर हुआ, कोई चीज लग गई, चोट लगी, उसमें सूजन आ गई, पक गया, मवाद आ गया, उसमें पस आ गया, उसी तरीके से अंदर भी चीजें होती रहती हैं जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखती। जिसे नमूनिया है वो आपको दिखेगा नहीं कि क्या है, लेकिन लक्षण आएगा, खांसी आएगी, फीवर आएगा, उसी उसमें अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। अब जब अंदर इन्फेक्शन होगा तो हमारे खून के अंदर WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम TLC भी टोटल, जिसको हम जब CBC में जांच करते हैं तो TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आता है, जिसको हम WBC व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। इनकी मिकदार बढ़ जाती है, इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, 4000 से लेकर 11000 तक नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, नॉर्मली होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है तो ये अपनी तादाद बढ़ाना चालू कर देते हैं ताकि उस इन्फेक्शन से फाइट कर सके, उससे लड़ सके, उसको खत्म कर सके। और कभी कभी तो हमारी बॉडी ही उस इन्फेक्शन को, ये WBC ही उस इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में जब इन्फेक्शन ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा मजबूत होता है, तो ये उसको खत्म नहीं कर पाते, बल्कि लगातार अपनी तादाद बढ़ाते जाते हैं। उसी चक्कर में जब हम CBC कराते हैं, जब हम जांच करवाते हैं, उसमें हमारा WBC बढ़ा हुआ आता है, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक आता है। अगर किसी का 20,000 से ऊपर आता है तो थोड़ा सा उसको चिंता करना है, परेशान होना है कि इतना ज्यादा कैसे हो गया, यानी उसने कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में, अपने इलाज में अपने डिले किया, लेट किया। अगर किसी का 12,000, 15,000 तक आता है तो वो मेडिसिन से भी कवर हो सकता है, हो जाता है, अक्सर हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। डॉक्टर देख के ही बता सकते हैं कि उसको मेडिसिन से कवर करना है या इंजेक्शन से कवर करना है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स अननेसेसरी उसी पे इंजेक्शन, 12,000 पे ही इंजेक्शन चालू कर देते हैं, जिसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी फिर उसको इन्फेक्शन हुआ तो वो इंजेक्शन, वो एंटीबायोटिक उसको उतना अच्छा काम नहीं करेगी। ये जो TLC आपका बढ़ता है, जो ल्यूकोसाइट बढ़ता है वो आपका, वो किसी भी इंजरी में बढ़ सकता है, कोई चोट लगने में बढ़ सकता है, इन्फ्लामेशन में बढ़ सकता है, इन्फेक्शन में बढ़ सकता है, अगर किसी को इम्यून सिस्टम कुछ गड़बड़ हो रहा है उसमें बढ़ सकता है, ब्लड कैंसर होता है तो उसमें भी ये ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है, उसमें भी ये बढ़ जाता है, लेकिन उसमें TLC बहुत ज्यादा होगा, उसमें 50,000, 60,000, 70,000, उसमें बहुत ज्यादा हो सकता है, वो एक अलग कंडीशन हो जाती है।